और एक बार फिर से स्वागत है यूनाइटेड और लीड चैन अपडेट की वीडियो में। इस वीडियो में हम अपकमिंग ऑल राउंडर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन पे सेट कर लीजिएगा ताकि यूनाइटेड से रिलेटेड लीड चैन अपडेट्स और दूसरे गेम प्लेस आपको जरूर मिल सके। तब हम बात करेंगे टॉन्कन से पोकेमॉन्स अपकमिंग होने वाले जो ऑल राउंडर बन सके। तो यार मैं पहले दे रहा था, ये दो दिन पहले मैं दे रहा था जितने ऑलराउंडर्स हैं, तो आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन में टोटल 7 ऑलराउंडर्स हैं जिनमें एजी स्लैश है, लुटारियो, सरीना, एसेका, ये सब हैं। तो मैंने इसी टॉपिक में बनाना सोचा कि अपकमिंग जो ऑलराउंडर हो सकते वो टॉन्कन से पोकेमॉन हो सकते हैं। तो गाइस हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ऑलराउंडर के बारे में जो कि है टायरेंट्रम, एडोटियन रैटियन टाइप पोकेमॉन जो इंट्रोड्यूस किया गया था जेनेसिस में कैलॉस में। अब बात करेंगे ये ऑलराउंडर क्यों हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया डिफेंसिव भी हो सकता है और ऑफेंसिव भी, और डायनासोर पोकेमॉन भी है, तो हो सकता है ये ऑलराउंडर के बढ़िया रहेगा। ये बढ़िया इसलिए भी रहेगा क्योंकि इसके पास बढ़िया मूवसेट है, जैसे कि रॉक स्मैश है, अर्थक्वेक है, ये सब मूवसेट रहेगा, ऐसे ये ऑलराउंडर के लिए बढ़िया रहेगा। अब सेकेंड ऑलराउंडर की बात है तो वो है एजिरॉन, इंडोटा स्ले टाइप पोकेमॉन जो जेन 3 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो स्टीवन स्टोन के पास भी था। वेल हम यहाँ स्टीवन की बात नहीं करें, हम पोकेमॉन की बात करें तो मैं बता दूँ ये मेटल वॉल्फ होते प्योर स्टेल टाइप बन सकता है, लेकिन मेटल एवोल्यूशन तो आएंगे यानी वो तो फ्यूचर में देखा जाएगा। अभी बात करते हैं ये क्यों आ सकता है, बिकॉज ये देखने में डायटियन टाइप भी है और प्लस इसके पास बढ़िया टाइप हैड स्मैश है, इससे ये आ सकता है। थर्ड जो पोकेमॉन है वो है सेलेमेंज, ये भी जेन 3 में आया था और ये जेन 6 के एक एपिसोड में बहुत खूंखार बन गया था, और प्लस ये पोकेमॉन शोडाउन में अचेटोमिस्टो लुअर विन बीटॉल चॉइस बैंड से यूज करोगे तो ये बहुत ही खतरनाक और पावरफुल बन जाएगा। इसकी स्पीड भी अच्छी है, लेकिन ये ऑलराउंडर के लिए बेस्ट पोकेमॉन है। अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ पोकेमॉन की जो कि है हाइड्रैगन, जो जेन 5 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो डार्क ऑफ ड्रैगन टाइप है। इसके पास ड्रैगन पल्स है जो इसका अच्छा अटैक है, इसका डिफेंस भी काफ़ी अच्छा है, अटैक भी अच्छा है, इसे मेरे हिसाब से ये आ सकता है ऑलराउंडर के बेस में। अब हम लोग फिफ्थ और फाइनल ऑलराउंडर की बात करें तो वो है एरोडैक्टिल, ये एक और फॉसिल पोकेमॉन यानी कि ये ड्रैगन टाइप है। ये रॉक ऑफ लाइन है पर ये मेरे लिए एक ड्रैगन टाइप है और ये डायनासोर है। इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है और इसका सिग्नेचर अटैक इंस्टेंट पावर वो बहुत ही पावरफुल है जो साइज टैग को बूस्ट कर देता है, तो मेरे ख्याल से यह भी आ सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अपना जवाब जरूर बताएं कि आपको कौन सा ऑलराउंडर पसंद आया और कौन सा आना चाहिए यूनाइट में। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी ऑन सेट कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।